Ooh. बसमिल्मानी अल्लाम वेरी गुड मॉर्निंग जी सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी और आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में आपके अपने प्रोग्राम में अशफाक साहब जरा इस पर कंट्रोल कर लीजिएगा और जी कैसे हैं आप उम्मीद है सब खैरियत से होगी आपके साथ जो हफ्ते भर मुलाकात हमारी होती है दो दिन फिर एक दिन के दो दिन के गैप के बाद फिर एक दिन मुलाकात होती है तो ये मुलाकातों का सिलसिला इनशाला जारी रहेगा एक सुबह मेरे मैसेज देना मैं बड़ा इंपॉर्टेंट समझूंगा पिछले चंद दिनों मुझे एक फंक्शन में जाना हुआ शादी की गेट टुगेदर थी हमने जो एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है लोगों की परेशानियों में इजाफ़ा हो रहा है ऐसी गेट टुगेदर जो कि ख़ुशी की गेट टुगेदर्स होती हैं जहाँ पर खुशी से इकट्ठे हुआ जाता है वहाँ पर लोगों के चेहरों पर रौनकें मंद पड़ती जा रही हैं और मैंने देखा है कि जहाँ पर दुल्हा की तरफ से या दुल्हन की तरफ से वो लोग जो जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे होते हैं अजीब सी एक कैफियत होती है चेहरे पे जैसे बड़ी परेशानी है ये परेशानी क्यों होती है समटाइम्स ये ज़िम्मेदारी सर अंजाम देने के लिए होती है समटाइम्स कुछ ऐसे वाक़ात इंस्टेंटली रूनुमा हो रहे होते हैं जिनको कंट्रोल करना होता है तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जब कोई ख़ुशी का मौका हो मिल बैठने का कोई बहाना हो तो फिर खुश होना चाहिए किसी की खुशी में खुश होना चाहिए और मिल बैठ के कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी का भी जो मोहब्बत बड़ा इकट्ठ है जो सबका इकट्ठे बैठना है वो ख़ुशी के साथ ही हो ना कि एक तोला नाराज़ उधर नज़र आए कुछ लोग नाराज़ उधर आए मोहब्बतें बांटे इतनी सी जिंदगी है अगर छोटी सी जिंदगी में सिर्फ यही चीज़ें चलती रहेंगी तो आपकी अपनी सेहत पे भी अपने माहौल पे भी कुछ अच्छा असर नहीं पड़ेगा और किसी की सादगी को मोहब्बत को बेवकूफ़ी ना समझा जाए उसकी खामी ना समझा जाए यह तो बड़ी खूबसूरत शिफ्त है कि अगर कोई आपसे मोहब्बत से मिलता है आप उसका जवाब मोहब्बत से दें तो यह एक छोटा सा मैसेज था दूसरों की खुशी में खुश होना सीखे और दूसरों की कदर और इज्जत करना सीखे आपको पता है जी प्रोग्राम का फॉर्मेट जिस पर हम तलाफत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं आपको आज का वजीफा बताते हैं आपके सवाला के जवाब दिए जाते हैं आज जो मौजू होगा जो टॉपिक ऑफ द डे होगा वो होगा जदीद टेक्नोलॉजी का मसबत इस्तेमाल हम दो नाज शामिल किए जाते हैं और जादू जन्ात का सेगमेंट भी आज है जिसमें सवालत के जवाब दिए जाएंगे और हमारा प्रोग्राम जो कि जिसमें इश्तराक हासिल है हमें सूफी सोप का सूफी घी एंड कुकिंग ऑयल और इनके साथ अत इंटरनेशनल भी शामिल हैं इश्तराक में मोजिस मेहमान जो मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं आपको तारुफ करवाता चलूँ शेख कारी अब्दुल्ला अफजल साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं इनको वार्मली वेलकम करेंगे सर असल खैरियत से जी आप माशा ये शेख वाले शेख हैं या शेख वाले शेख है बहुत शुक्रिया आप तशरीफ तो लाए जी इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी है शरूम के उस्ताद हैं पी एच डी इस्कॉलर हैं और जब ये किसी वक्त हमें बड़ा खूबसूरत सा मैसेज भेजते हैं ना वो मेरी और इनकी कुछ बातें हैं मैं थोड़ी सी आज शेयर भी करूँगा तो उस वक्त बड़ा अच्छा भी लगता है सर असल खैरियत से कितना अच्छा लगता है कि जब कोई हमें मोहब्बत से हमारी का आमीन और जब कोई कहता है कि अल्लाह ताला आप दोनों को ज़िंदगी सेहत दे आपकी पूरी टीम को ज़िंदगी सेहत दे तो हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है पैगाम टेलीविजन का ये ख़ासा है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं जो काविश कर रहे हैं उसकी ये कामयाबी है कि आप इस मोहब्बत के पैगाम को समझ सकें दीन इस्लाम को समझ सकें और फिर जब आपके दो लफ्ज़ हमारे पास आते हैं ऐसे तो हमारा दिल बड़ा खुश होता है बड़ा हो जाता है, क्यों सर ऐसे है? मैं आपको दिलचस्प बात सुनाता हूं। कल मुझे एक शादी में शिरकत करनी थी जी। तो जैसे ही मैं शादी हाल में एंटर हुआ ना तो दो नौजवान भागते हुए आए। कह लेंगे जी हमने आपके प्रोग्राम से बहुत सीखा है अलहम्दुल्ला। 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 और फिर फौरन ही उन्होंने कहा बस अब एक सेल्फी तो बनती ठीक <laughs> <laughs> कहते है जी कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं जो हमने ना सुना हो हमारे घर वाले सुनते हैं हमारी वालदा सुनती हैं वालद साहब सुनते हैं अकबर अल्लाह है। और हमने बहुत सीखा अलहमद तो अल्लाह आपको खैर दे तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है आमीन ये हमारी दावत जो हम पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला उसको कबूलियत दे रहा है और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं और यही हमारा मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मकसद और मकसद हयात भी अब तो मेरा भी यही है आप यकीन कीजिए जिन माँ ने मुझे वो मैसेज भेजा मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि बेटा हम तो पंद्रह बीस साल से टेलीविजन की स्क्रीन को छोड़ चुके अब ऐसी चीज़ ऐसा कॉन्टेंट और इस तरह से प्रजेंट करना कम मिलता है नज़र नहीं आता तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आई एम एसोसिएटेड विद पैगाम टेलीविज़न हमारे सुबह वतन का ये प्रोग्राम मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन उसमें शायद वक्त गुजर जाएगा मैं आप सबका मशहूर हूँ जिनका मैं जिक्र कर सका और जिनका नहीं भी किया आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया काी साहब आपकी जानब आएंगे तलाफते कुरान करीम से आगाज कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे आूदु ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن إِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ ۖ

ले जाया जाएगा और रहमान के पास किसी को सिफ़ारिश करने की उस दिन ज़रूरत नहीं होगी सवाए उनके जिनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा किया है इसके साथ ही सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और गुजारिश करूँगा कि करने का काम बताइए फिर आगे बढ़ेंगे बसमिल्ल والسلام على वसलत वसलमला अशरफ अम्बिया بعد निलामी भाई हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फकीर हैं मुख्ताज हैं उसकी रहमतों के उसकी बरकतों के उसके इनायत के और हर दम हम मांगते भी रहते हैं कभी चुपके-चुपके, कभी बता के कभी ऊँची आवाज़ से मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सर सर मुश्किल ना कीजिए अगर आपको ये शोर श्योरिटी दे दी जाए कि आपकी ये वाली दुआ जरूर कबूल होगी तो आप क्या मांगेंगे सर मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल सवाल है मैंने आपको पहले ही कहा था बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इससे भी मुश्किल ये है कि आप श्योरिटी देगा कौन जी लेकिन उस वक्त जब कायनात के सरदार ये श्योरिटी देने के लिए खुद बनफ से मौजूद थे और आपने जिस सहाबी को ये छोटी दी उसने फिर क्या मांगा होगा? अल्लाह अल्लाह कैसे वो खुश नसीब होंगे जिनको आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास खड़े होकर कह रहे हों कि मांगो अब तुम्हें मिल जाना है मांगो क्या मांगते हो अब तुम्हें अता हो जाना है तो वो हस्ती हैं इब्न मसूद रजी अल्लाहन वो कहते हैं कि मैं एक दिन नमाज़ पढ़ रहा था और उसमें सूरह अनसाह की तिलावत कर रहा था जी और सूरह अनसा की जब सौ नंबर आयत पढ़ी ना तो उसके आखिर में आता वक़ा अल्लाह गफ़ूल राहीम कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है तो वो कहते मैंने यहाँ दुआ मांगनी शुरू कर दी तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजर रहे थे आपने जब सुना कि मेरा अब्दुल्ला यहाँ पर अब दुआएं मांग रहा है

कि क्या दुआ मांगी है वो तो कहते हैं क्या हुआ कहने लगे आमना के लाल ने तुझे तीन मरतबा यहां कहा कि अब्दुल्ला मांगो आज तो तुम्हें मिल ही जाना है ये दुआ तुम्हारी कबूल हो ही जानी है मांगो क्या मांगते हो कहते हैं अभी ये खुशखबरी हर अबू बकर सुना रहे थे तो पीछे तो उम्र फरूक भी भागते हुए आए कहने लगे अबू बकर तू हमेशा मुझसे सबकत ले जाता है ये खुशखबरी तो मैं सुनाने आया था और फिर इन दोनों हस्तियों ने पूछा कि अब्दुल्ला तूने दुआ क्या मांगी वो दुआ बड़ी खूबसूरत है बहुत शानदार तो वही आज का वजीफ़ा है हमारे नाज़रीन के लिए कि ये दुआ दौा अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें वो दुआ जो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने तो पहले भी कभी नहीं छोड़ी थी और अच्छा। आज जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि आज तुम्हारी कबूल हो जानी है उस वक्त भी वो यही दुआ मांग रहे थे और वह दुआ ये थी अल्लास ईमान व मुरा फमद्लम फील जन्न जन्नत मैं तुझसे ईमान की सबत कदमी मांगता हूँ मैं पक्का मोमिन रहू जम के और जन्नत की वो नियम तो जो कभी ख़त्म नहीं होंगी अल्लाह तो इसे वो नियमते मांगता हूँ और इन नियमतों से भी बढ़कर क्या मांगा कि अल्लाह मुझे अपने मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा दे अला तरीन जन्नतों के अंदर अल्लाह तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो जाए और वो हो भी जन्नतफरदौस की अला तरीन मुकाम तो बाकी रह क्या गया है

वालेकुम वरम्ला सर बहुत शुक्रिया कॉल करने का फरमाइए क्या पूछेंगे आप मैं ना नफ्ती साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ बंदा है उसके यहाँ जुड़मे बच्चे पैदा होते हैं वो दोनों पे किया दो दो जाने हैं या दो, दोनों दोनों बच्चों पे दो ही जाने कफायत कर जाएंगे <laughs> ये हमारी रहनमाई कर अच्छा जी बहुत शुक्रिया <laughs> कॉल करने का भी पूछ लेते हैं सर बताइए जब अल्लाह ने डबल जी तो आप भी तो शुक्र डबल करे ना बिल्कुल तो ये जो आपने कीका करना है ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र है ये उसके एहसानात पर उसका शुक्र अदा करने का एक तरीका है तो जब अल्लाह ने बेटे दो दिए हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था अनिल गुलामी, शातानी मुकाफ़्यातान बेटे की तरफ से दो बकरे दो बकरियाँ दो दुम्बे तो जब बेटे दो हैं तो दो और दो चार चार ठीक है तो अगर अभी तोफीक ना हो इस्तात ना हो बकरे बहुत महंगे हो गए तो जब अल्लाह तोफीक देगा तब कर लें नियत कर लें नियत कर, कर लें और अगर अल्लाह ने तोफीक दी हुई है तो फिर चार बकरे तो करने चाहिए ठीक है ठीक है जब रहमतें दो हैं खुशियां दो हैं डबल 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 आप देखें ना मिठाई तो वो खिला रहे होंगे ठीक है ठीक है सर अल्लाह सर सवालात की जानिब बढ़ते हैं पूछा गया है मैं ऐसी जॉब ऐसी जगह जॉब करता हूँ जहाँ पर जुमे का बंदोबस्त नहीं है वहाँ कुछ दोस्त मिलकर जहर की जमात करवा लेते हैं क्या यह दुरुस्त है आ, क्या जुमे वाले दिन जोहर की जमात करवाई जा सकती है या सब अलहदा अलहदा, अलहदा जोहर की नमाज़ अदा करेंगे जी पहली बात तो यह है कि ये भाई जहाँ भी हों को जुमे का अहतमाम करना चाहिए जी अब तो हर फैक्ट्री में तकरीबन मस्जिद होती है जहाँ जुमे का अहतमाम होता है जहाँ पर नमाज़ों का अहतमाम होता है जी तो ये भाई अगर किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ करीब कोई बस्ती नहीं है कोई गांव नहीं है कोई मस्जिद नहीं है तो फिर ये जहाँ पर हैं वहाँ पर ये अपनी जमात करवा लें जोहर की जी लेकिन अगर इनको थोड़ी सी कोशिश करके मस्जिद मिल सकती है करीब की बस्ती में किसी गाँव में या फैक्ट्री की मस्जिद में तो फिर इनको जुमा नहीं छोड़ना चाहिए अल्लाह के नबी की बड़ी शदीद वार्निंग है फरमाया मन तारला सजात हाउना बेहा जो बंदा तीन जुमे सुस्ती की बिना पर इनको हकीर और कमतर समझते हुए छोड़ देता है तो अल्लाह उसके दिल पर मोर लगा देता है फिर वो गाफलों में से हो जाता है उसको पता भी नहीं होता कि आज जुमा है। तो इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए अगर वो किसी मस्जिद में पहुँचने की साथ रखते हूँ तो ज़रूर पहुँचना चाहिए लेकिन बाज़ आवाज़ शहरों से बहुत हज़ारों मील सैकड़ों मील दूर सहरा में भी होती है फैक्ट्रियाँ और इतफ़ाक़ से वहाँ मस्जिद नहीं है जी तो फिर ऐसी सूरत में वो दौर की जमात करवा लें अच्छा सर अगर जो मिल के जमात पढ़ रहे हैं उनमें से अगर कोई जुम्मा करवा सके तो इसमें उल्मा इक्राम कहते हैं कि देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत सारे लोग बाहर सहरा में रहते थे जी जंगलों में रहते थे और वो भी अगरचे दस पंद्रह बीस घराने केफरात तो होते ही थे तो ऐसा जुमा वो नहीं करवाते थे जुमा होता था बस्तियों में गाँव में शहरों में तो लोग जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद नबी से दूर दूर से आते थे आज भी लोग सैकड़ों मील से दूर से आकर मस्जिद नबी में जुमा पढ़ते हैं तो अगर ये जुमा होता ना सहरा में जो लोग कबीला एक बैठा तो वो वहाँ जुमा करा ले जो बस्तियों में बैठा वो, वो उधर करा ले तो फिर तो ठीक था तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, के दौर, दौर में सिर्फ बस्तियों में बड़ देहातों में जहाँ मस्जिद का अहमाम है वहाँ जुमा होता था तो फिर कोशिश ऐसे ही करनी चाहिए कि मस्जिद तक पहुँचा जाए ठीक है अगर जो कुछ ये ये हैं, जी। कि आप दस, लोग हैं, जहां भी हैं, आप लोग भी भी जब नमाज जमात के साथ पढ़नी है, तो एक बंदा दे ले, मौजूद लेकिन और बेहतर के लिए मस्जिद पहुंचा जाए ठीक है ठीक है अच्छा। सर एक लाइव कॉलर शामिल करते हैं, हैं से। जी अल्लाहद बहुत शुक्रिया कॉल करने का पूछिए क्या पूछेंगी आप भाई मैंने पूछना था ये जो रात इसकी क्या है? तो जो लोगों में नौ, है, जागते हैं और दूसरी बात मैंने ये पूछना था भाई ये जो तो जिसकी दो दो रकत भी पढ़ने होते हैं ये चार यानी तरावी की चार नियत भी कर लेते हैं दो दो ही नकल पढ़ने हैं ठीक ठीक है, थीक, थीक है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का मैं दोनों सवाल एड्रेस करूंगा भट्टी साहब से जी पहली जो बात है कि इस शब शबरात जो है जो गुज्त रात गुजरी और लोगों ने बड़ों की बातें की हैं इस बारे में नबी राहमत सल वसम का एक फरमान जो है वो सही सनद के साथ साबित है और वो ये <coughs> है कि अल्लाह रबुल्ज़त इस रात बहुत सारे लोगों की बख्शिश करता है लेकिन मशरक और दुश्मनी पालने वाले को इस रात भी माफ़ी नहीं मिलती जी। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारी स्टोरिया बनाई हैं कल मैंने वो शादी हाल से जब बाहर निकला ना जी जी तो मैंने देखा कि एक शख्स बेरी के दरख्त के साथ लटका हुआ है और नीचे हजूम है बेरी के के साथ लटका हुए। लटका हुआ हुआ है और वो लोगों को छोटी छोटी टहनिया काट के दे रहा है मैंने कहा शायद ये कोई नया बिजनेस है अच्छा तो मैंने बड़े भाई से कहा ये आज लोग बेरी की टहनिया क्यों लेके जा रहे हैं कहते यारोतगी होगी होगी तो वो गुसल देने के लिए मैंने कहा पहले भी एक हजूम गुजरा है ये भी है सारी फौतगी तो नहीं हो सकती रात को मेरे बेटे ने कहा बाबा वो मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि आज रात जो बेरी के पत्तों से गुसल करेगा तो वो साल बार बीमार नहीं होगा ये नहीं होगा तो so तब Allah मुझे Allah. समझ आया कि ये एक अलग स्टोरी है अच्छा कि शबरात की रात को बेरी के पत्तों से गुसल करे तो सारा साल बंदा बीमार नहीं होता तो बेरियों की शामत आई हुई थी कल रात ठीक ठीक तो है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों ने खुद अपने पास से बना ली हैं ठीक है थीक थीक तो थीक थीक इस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल वही था जो आम रातों में था आप थीक 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 पढ़ते थे, थे तो इस रात भी पढ़ी है दुआएं करते थे तो इस रात भी की है लेकिन कुछ स्पेशल इबादत इस रात के साथ खास नहीं ठीक है चले तहज्जुद का जिक्र आई गया तो जी तो तहज्जुद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सलातुल लैली मसना मस कि रात की नमाज दो दो रकत करके आए

ना, दादी के, से तो फिर वो अपने न, के पास अब से से तो तो उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं। वो दूसरे बहन भाईयों से करते हैं अच्छा चले दूसरे बच्चों से ठीक है तो क्या? थी, 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 थी। नहीं, आप पूछना क्या चाह रही है वो बताए नहीं करते तो अच्छी बात है ये अच्छा मामला है अच्छा अच्छा चले ठीक है ठीक है शुक्रिया आपके कॉल करने का भी जवाब को तो अपने सब बच्चों के साथ जी।, मसावी, जी और प्यार करना चाहिए जी लेकिन ये बात किस्मती से हमारे मुशरे में है कि खानदान में किसी एक बच्चे को वो ऐसे ही साइड पे कर देते हैं बिना किसी वजह के उसके साथ वो सलूक नहीं कर पाते जो दूसरे बच्चों से करते और फिर वो बच्चा सेंसिटिव हो जाता है और वो महसूस करता है कि लो जी मुझे वो मोहब्बत नहीं मिली मुझे वो शफकत नहीं मिली जो दूसरों को मिल रही है और ये पाकिस्तानी मुआरे में तकरीबन तो हर घर की कहानी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए शफकत और मोहब्बत बांटने में वालदेन को सबको बराबर करना चाहिए जी अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को समझता आमीन, आमीन। लेकिन बटी साहब ये वाले तो फिर बड़ा जवाबदेह हो जाएगा ये मामला बिल्कुल के... बिल्कुल बिल्कुल

तो उन्होंने बड़े शफक से गले लगाया मुंह चूमा और अपनी टांग पर बिठा लिया इतने में बेटी आई तो उन्होंने ना उसका मुंह चूमा है ना प्यार किया है ना टांग के ऊपर बैठाया उसको साइड पर बिठाया जी। तो आपने फ़ौर तम भी की फरमाया व तक इतक वादे लू बैना औला देखुम अल्लाह से डरो और औलाद में ये मोहब्बत बांटने में बराबरी करो तो आपने ये बेटे और बेटी के दरमियान को भी सख्त नापसंद किया है क्या के बेटे और बेटे के अंदर तफरी तो कर दी जाए तो ये बिल्कुल गलत है बिल्कुल जायद नहीं है वाले को बराबर मोहब्बत करनी चाहिए और बिल्कुल बड़ी मुझे ना अपनी इस के सवाल से होगी छोटे भाई के साथ जिंदगी गुजार दी है और अभी तक वो फील कर रहा है ये तो बहुत जुल्म है उसके साथ वालदेन को इसकी तलाफी करने की कोशिश करनी चाहिए ठीक है ठीक है सर आगे क्वेश्चन पूछा गया है गुस्से में बीवी से कह दिया कि तू बड़ी ना बना कर <laughs> क्या इसका कफारा या हर होगा नहीं इसका कोई जुर्माना नहीं है अच्छा। कोई हर नहीं है अच्छा। और ये कोई लफ्ज ऐसा है भी नहीं शरण कि जिस पर कोई पकड़ की जाए तू बड़ी ना बना कर वो तो मतलब उसको वो डांटने का एक अंदाज है असल में जो अरब के यहाँ था जी। वो जब किसी औरत को तलाक देना चाहते ना तो उसको कह देते तू आज से मेरी माँ है ओ अच्छा और मकसद उनका ये होता था कि वो इस औरत को तलाक दे रहे हैं या अच्छा। वो कह देते कि तुम आज के बाद मेरी बड़ी बहन जैसी हो और मकसद होता था तलाक तो जब तलाक देना मकसद हो और फिर ये लफ्ज़ बोला जाए तो फिर इसको जिहार कहते हैं तो उसका जुर्माना भी है उसकी सजा भी है लेकिन ये कह देना किसी औरत को ऐसे ही चल लम्मा बस भी कर जी चल बाजी रुक भी जा बातों बातों में इस पर कोई हरजाना नहीं है कोई हर जाना नहीं है हाँ अपने दिल की तसली के लिए इस्तार करें और अल्लाह ताला से माफी मांग लें कि ये मेरे जुबान से एक गलत लफ्ज निकल गया है अगर में इसको गलत समझा जाता हो साहब मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है कि अपनी वालदा को तो कहते हैं मेरी वी माँ है। हाँ। और अपनी बहन कहते हैं मेरी छोटी माँ तो इसके बारे में क्या है कोई जुर्माना नहीं है अच्छा लेकिन अगर बीवी इससे करती है तो ये लफ्ज नहीं बोलने चाहिए ठीक है ठीक है रिश्ते की सेहत पे असर नहीं पड़ता कोई असर नहीं लेकिन असूलन ये नहीं कहना चाहिए जी नहीं कहना ठीक हो गया सर आगे पूछा गया पहली बीवी की जायदाद में से शोहर की दूसरी बीवी को शोहर के इंतकाल के बाद क्या कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं <laughs> ये जो सौकड़े होती हैं जी जिंदगी में एक दूसरे को बर्दाश्त करती नहीं तो फिर जायदाद कैसे देंगी ये जायदाद का मामला है ना साहब अच्छा जायदाद में दो सूरते हो सही एक तो यह है कि एक बीवी जी। पहले फौत हो गई और उसकी जायदाद में से नसफ़ या चौथा हिस्सा मिलता है खामद को अगर उसकी औलाद ना हो तो निसफ़ अगर उस की जो फौत हुई है उसकी औलाद हो तो खामद को मिलता है चौथा हिस्सा जी अब वो जो खामद को मिला वो उसकी प्रॉपर्टी बन गई है ठीक है अब वो प्रॉपर्टी बनने के बाद अब वो खामद जब फौत होगा तो उसकी जब प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो अब जो दौजा बाकी है जो बीवी उसकी ज़िंदा है उसको उसमें से लाजमी हिस्सा मिलेगा वही अगर औलाद है तो आठवां हिस्सा औलाद नहीं है तो चौथा हिस्सा अब ज़ाहिर है प्रॉपर्टी वो पहली बीवी की आई थी जी लेकिन अब खामद की मलकियत होने की वजह से अब प्रॉपर्टी खामद की हो गई है लेकिन अगर अभी खामद जिंदा है और पहली बीवी फौत तो हुई है तो दूसरी बीवी को इस बीवी की प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलता क्योंकि इनका आपस में कोई नस्बी रिश्ता नहीं है तो इनको आपस में एक दूसरे की विरासत से कुछ नहीं मिलता नहीं मिलता ठीक है आगे पूछा गया माजूर शख्स पिछले माह रमज़ान का आखिरी <laughs> रोज़ा बुखार <laughs> की वजह से छूट गया अब वो काफ़ी कमज़ोर भी है और चाहता है कि कजाई की बजाय गुज्त साल के आखिरी रोज़े का फदिया दे दे क्या ये दुरुस्त है लमि भाई ये तो सुस्ती की इंतहा है जी कि पूरे ग्यारह महीनों के अंदर एक रोज़ा रखना था और वो अभी तक रमजान आने वाला है और अभी तक वो एक रोज़ा भी नहीं रख सके और अब वो पूछ रहे हैं कि वो कमज़ोर हो गए हैं तो फिदिया दे दें तो ये सुस्ती का क्या होगा यानी अब अगर वो बीमार हैं तो पूरा साल तो बीमार नहीं रहे ना जी। तो एक रोज़ा रखना तो उनको रखना चाहिए था तो ये जो सुस्ती है ये कतन दुरुस्त नहीं है लेकिन अब अगर वो इस्तात नहीं रख रहे कमज़ोर हैं बीमार हैं तो फिर वो फिदिया दे दें एक रोज़े का ठीक किसी गरीब को ठीक है आगे पूछा गया मेरी रूटीन है कि मैं जुमे के रोज़ शरा कहाफ़ शरा यासीन और शरा रहमान पढ़ता हूँ क्या सुन्नत में इन तीनों सूरतों के इस तरह पढ़ने की ताकीद मिलती है या मुझे ये तरीका तब्दील करना चाहिए जी बिल्कुल तब्दील करना चाहिए जी शुर पढ़ने की तो रिवायात मौजूद हैं जुमे वाले दिन जो जोरा कह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको एक ईमानी अता फ़रमाता है जो अगले जुमे तक कायम रहता है मत वाले दिन उसको बताया गया जगह तक फासले जितना नूरत आदमी तो तो जुमे वाले मौजूद है जी। बाकी रह गया सुरमान और सरा यासिन तो उसके बारे में उन दोनों सूरतों के बारे में जुमे वाले दिन खास तौर पर तलावत करने की कोई रिवायत मौजूद नहीं है और अगर पढ़ ले पढ़ ले तो वो तो कुरान सारा ही पढ़ने का ही है लेकिन इनको, इनको बिल्कुल बाकायदा ये जुमे वाले का वजीफा है तो इस लिहाज से नहीं पढ़ना चाहिए ओके इंटेंशन आ, नियत जी, वो जी, जी। 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 है सर आगे पूछा गया क्या मैय की चारपाई को कंधा देना जरूरी है या फिर सिर्फ जनाजे और तदफ्फीन के मराहल में शमूलियत से ही मुकम्मल सवाब मिल जाएगा जी मुकम्मल वाब के लिए तो नबी रतल् का ये फरमान है कि मन शहीदनाजा फलाओ की रात जो नमाज जनाजा पढ़ के वापस चला जाए तो उसको एक की रात मिलता है और जो उसके साथ रहे हत्यायुसल्लाई व हत्यायुद्धफन जो दफन करने तक भी साथ रहता है तो उसको दो किरात मिलेंगे साहबा ने पूछा लेकिन अभी वो किरात है कितना तो आपने सुना दो अजीम तरीन पहाड़ों जितना एक किरात होता है तो दो किरात दो बहुत बड़े पहाड़ों जितना अजर है जी। तो ये अजर तो मिलेगा हर उस शख्स को जो जनादे के साथ गया नमाज पढ़ी और दफन तक उसके साथ रहा जी। अलबत् कंधा देने के बारे में कोई सही सही और सही रवायत मुझे नहीं मिली कहीं भी को पढ़ने में नहीं आई आज तक कि जिसमें हो कि कंधा भी देना ज़रूरी है लेकिन ज़ाहर है जनाजा उठाना भी तो है ना जी तो जनाजा उठाना भी चाहिए कुछ फोक ने लिखा है कि जो बंदा जनाजे को कंधा दे जी। तो वो चारों तरफ फिर घूमे लेकिन वो जितना रश होता है और जितनी स्पीड से जनाजा जा रहा होता है ऐसा बाजा अवकात मुमकिन नहीं होता तो अगर उसने एक पाए को कंधा दे दिया है दूसरे को दे दिया तो इन काफ़ी होगा ठीक है अच्छा सर आगे पूछा गया है कि मैंने गुजशत छः साल से रमजान के रोज़े नहीं रखे अब मैदे में मुसलसल मसला रहता है कमजोरी के सबब वज़न भी काफ़ी कम हो गया है यानी कि अब मुझे मुझ में रोजे रखने की सख़्त नहीं है मुझे अब क्या करना चाहिए इसका जवाब लेंगे जी इसका जवाब लेंगे लेकिन एक लाइव कॉलर पहले वो ले ले। है पहले बोले फ़ातमा साहबा है ननकाना से जी असल वर जी शुक्रिया कॉल करने का पूछिए भाई मेरा सवाल ये है बेवा हूँ और बच्चे छोटे हैं काम नहीं करते तो मेरा इस टाइम ना कोई भी नहीं अल्लाह के सवाल तो जैद आज जो है ना मेरे ससुराल वाले देते नहीं है काम में लोगों का होता नहीं है तो बाकी ये मैं ये पूछना चाहती क्या मैं निकाह कर सकती हूँ और लोगों की वजह से डर भी जीने नहीं देते

और आपने इन यतीम भतीजे भतीजों की मदद भी नहीं करते और उसको शादी भी नहीं करने देते Allah ताने Allah मारते हैं हर वक्त तंज करते हैं और बेवा औरत की जिंदगी को अज़ाब बना देते हैं और वो बच्चे जो और साथ बच्चे ये छोटे हैं उनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी कोई नहीं ले रहा Allah और अगर इस्लामी हुकूमत होती तो ये बच्चे सारे के सारे इस्लामी हुकूमत ने पाल लेने थे अगर इस्लामी कवानीन को हम फॉलो करने वाले होते तो ये बेवा औरत इद्दत ख़त्म होते ही शादी कर सकती थी कोई रुकावट नहीं थी और सहाबियात में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने एक खामत के फौत होते ही इद्दत गुजरी है तो दूसरी शादी कर ली बल्कि शादी करने वालों को पैगाम आने शुरू हो गए इद्दत गुजरते ही कि उस सहाबिया की सीरत उनके किरदार उनकी शानदार खिदमत को देखते हुए शादी करने वालों की लाइन लगी हुई है तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली इतफ़ाक़ से कुछ अरसे के बाद दूसरा भी फौत हो गया तो तीसरे ने कर ली तीसरा भी फौत हुआ तो, तो चौथे ने भी कर ली तो इस्लाम में बेवा की शादी कोई कदगन नहीं है कोई ममानत नहीं है कोई पबंदी नहीं है तो ये हमारी बहन अगर शादी कर सकती हैं तो ज़रूर करें वली वाला मामला और वली वो जो ालम भाई हैं अगर वो शिरकत नहीं करते देखिए तो भाई भी अब क्या खून सफ़ेद हो गए हैं कि आप अपनी इस बेवा बहन की ज़रूरियात से भाग रहे हैं ये छोटे भांजे भांजियां जो हैं इनकी परवरिश से भागने के लिए वो नहीं मिल रहे अगर वही इनकी जायदाद इस बहन को मिल जाती और बहन अपने घर में असुदा होती तो ये सारे भाई मक्खियों की तरह बिन बनाते हर वक्त दरवाजे पर पड़े रहते अब चूँकि वो ज़रूरतमंद है तो ये सारे भाग रहे हैं तो अगर ये भाई भी वली ना बने तो कोई चच्चा कोई मामू कोई खालू कोई तो होगा खालू नहीं चचा और मामू अगर वो भी ना हो तो इलाके का जो यू सी है चेयरमैन है कोई एम पी ए कोई एम एल ए कोई मस्जिद का इमाम और खतीब कोई लामा साहब किसी को भी वली बना के वो शादी कर लें अगर ये करीबी वारस जो हैं, जी ये ला तलकी का इजहार कर रहे हैं नहीं जरूरत के वक्त काम आ रहे तो वो अपने इलाके की किसी भी मौत शख्सियत को अपना वली बना शादी कर सकती है और दिल से दुआ निकलती है कि या ला इनके लिए कोई याबाब पैदा कर दे या हमें कुछ ऐसा कर दे कि हम किसी के काम आ सके। इनी, इनी तलखियों की वजह से वो जो पिछले दिनों हमारा मसला बयान हुआ था ना वरासत का जी जी इन्हीं तलखियों की वजह से लोग अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद बच्चों के नाम लगा देते हैं लगा देते हैं ताकि ये जो चचालम किस्म के ये ना कब्जा कर जाए अब देखें वो बेवा है कुछ शर्म आनी चाहिए कि बेवा का हिस्सा दबा के बैठे हैं इन यतीम भतीजे भतीजों का हिस्सा दबा के बैठे हैं उनको इनका हिस्सा जितना है हकदार हैं ये उनका राइट बनता है बट साहब मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ अल्लाह ताला उनकी आ, कबर को मनवर रखे जन्नत में आला मुकाम दे हाँ। आ, वो साहब अपनी यंग एज में यतीम हो गए ना वालिद ना वालदा और बहने छ बहने उनकी कफालत भी की उनकी शादियाँ भी कं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे मामला जो होने चाहिए वो भी किए और फिर बड़े भाई इस दुनिया से रुख्स हो गए उनके जो बच्चे थे उनको भी पाला माँ तो, तो ऐसी भी, भी मिसालें मौजूद हैं जी जी बिल्कुल ऐसी मैं आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी मिसाल देता हूँ जी मेरे पास यहाँ एक बुजुर्ग आए जी बूढ़े कहते मैंने सारी जिंदगी बाहर के मुल्क में मेहनत मजदूरी करते हुए गुजारी है और लाहौर में एक बारह मरले का तीन मंजिला घर बनाया और आपने छः सात बहन भाइयों को पढ़ाया है उनकी शादियाँ की हैं और अब वो वापस आए हैं उसी घर में रह रहे हैं और अब वो सबसे छोटा कहता है जी इस घर को बेचो और मेरा हिस्सा मुझे दो अल्लाह तो वाला साहब कहते हैं तेरा हिस्सा है कहाँ ये तो बड़े भाई ने कमा के तुम्हें पढ़ाया अभी तुम्हारी शादी भी की ये घर तो उसका है लेकिन वो बड़े भाई की कुर्बानी देखें वो फिर वाला साहब को कहते हैं अबू जी कोई बात नहीं वो मैं मैं निकल जाता हूँ इस घर से और आप ये घर मेरे छोटे बहन भाइयों में बांट दे वो कहते हैं मैं उस घर से निकला घर किराए पर लिया और अल्लाह ने हुनर दिया काम करना शुरू किया तो आज फिर मेरे पास करोड़ों रुपए की जायदाद है और मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में अपने बच्चों में तकसीम कर दूं तो वो, वो उसका हिसाब करवाने आए थे वाई। वाई। और वो बहन भाई जिन्होंने सारी उम्र इस बड़े भाई को खाया ही है देखियो वो बेचारा पच्चीस तीस साल बाहर रहने के बाद पता नहीं कितना तरसा हुआ होगा कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ जाकर रहता हूँ और वो उसी घर के बंटवारे करने पर तोल गए जो बनाया भी उसने सारा पैसा भी उसका और वो सबसे छोटा जिसने सारी उम्र खाया है वो कहता है जी मेरा हिस्सा मुझे वो तेरा है कि अब है इस घर में लेकिन उसकी कुर्बानी को उसने कहा नहीं अबू जी दे दे इनको वो कहता है अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा है इतना नवाजा है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह मुझे इतना नवा नवाजेगा सुबह तो ऐसी मिसालें भी हैं बड़ी साहब जैसे आप कह रहे हैं मैंने देखे आप जो चीज चाहते हैं क्या आपके पास आए आप देना शुरू कर दें आपके पास कई गुना ज़्यादा आएगा वो रब जब देता है तो फिर अपनी शान के मुताबिक देता है सुभान ऐसी है। कई मिसालें मौजूद हैं बड़ी खूबसूरत मिसाल थी बड़ी साहब इसके साथ ही मुझे ब्रेक की तरफ जी जाना जी है तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने मौजुस मेहमानों का शेख अलकारी अब्दुल्ला अफजल साहब शेख साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच और इनके साथ मौजूद रहे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब सर आपके बयान ज़्यादा शुक्रिया ले जी प्रोग्राम तो भी जारी है मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमने बात करनी है जदीद टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल मनफी और मस्बत दोनों पहलू डिस्कस होंगे लेकिन हाईलाइट करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट को मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा